आगामी विधानसभा चुनाव के लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीते कुछ दिनों में राजनीति से जुड़ी हुई महिलाएं सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। आज हम आपको ऐसी महिलाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो आगामी विधानसभा चुनाव से पहले काफी चर्चा में हैं। पंकज के खिलाफ कांग्रेस की पंकुड़ी पाठक ने ठोकी दाग। दिल्ली की पंकुड़ी पाठक लॉ की पढ़ाई के बाद समाजवादी पार्टी की छात्र सभा से जुड़ी रही। 27 फरवरी 2021 को यह समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हुई। अब यह नोएडा विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर भाजपा नेता राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। भाजपा के लिए विभीषण बनी अपर्णा यादव। सपा संरक्षण मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा बिष्ट यादव ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अब यह विभीषण की तरह सपा के राज भाजपा के लिए खोल रहे हैं। हाथी पर सवार हुई सीमा समृद्धि कुशवाहा। इटावा की सीमा समृद्धि कुशवाहा निर्भया कांड के दोषियों को फांसी की सजा दिलाकर सुर्खियों में आई थी। वह हाथरस की बेटी का भी चुनाव लड़ रही है। अब इन्होंने हाथी का दामन थाम लिया। आने वाले दिनों में जब चुनाव भी लड़ सकती है। प्रियंका ने दिया प्रियंका को धोखा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन से पोस्टर में चर्चा में आई प्रियंका मौर्य ने प्रियंका गांधी को धोखा दे दिया। अब यह भाजपा में शामिल हो चुकी है। बिकनी गर्ल अर्चना गौतम का नाम चढ़ा जुबान पर। हसनापुर से कांग्रेस उम्मीदवार अर्चना गौतम मॉडल से राजनेता बनी है। इन दिनों अर्चना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। बिकनी पहने अपनी तस्वीरों से बेपरवाह अर्चना कहती है कि वह चुनाव जीतेंगी तो पर्यटन पर उनका ध्यान होगा, वह हस्तिनापुर को निवास बना देंगी। बेटी के अपमान का बदला लेंगी आशा सिंह। 2017 के बहुचर्चित उन्नाव रेप कांड की पीड़िता की मां आशा सिंह उन्नाव सदर से कांग्रेस की उम्मीदवार है। यहां के पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। टिकट मिलने के बाद आशा का कहना है कि मेरे संघर्ष में और मेरी लड़ाई में मेरा साथ देने के लिए कांग्रेस पार्टी का आभार।